दोस्तों उस साइड में अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, पिकअप चलते हैं, रुको साइड में दबाता हूँ, एक्सीडेंट हो गया है भाई यहाँ पे, वो देखो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और करते हैं आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं से स्टार्ट। तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि पिछला ब्लॉग भी हमने यहीं ख़त्म किया था रात में, और ये वाला ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग खड़े हैं जो सेंटर पॉइंट वाला टोल है ना बाहर वाला, तो मांगलिया में, तो यहीं पर खड़े हैं बाईपास पे, इधर मेन रोड है ये वाला, और गाड़ी अपने लगाई है यहाँ, और गोकुल भाई की गाड़ी भी यहीं खड़ी है, 94 आगे खड़ी है, और 47 वो भी वहीं खड़ी है अब आगे, तो चार गाड़ी खड़ी है वैसी की वैसी, कल खड़ी थी वैसी। माल अभी तक कोई कंफर्म हुआ नहीं है, और अभी समथिंग 10:30 बजने वाली है, तो गाड़ी अपनी लगा ली थी यहाँ पे, और उधर है टोल पास में ही गोकुल भाई की गाड़ी, वो रही पीछे। चलो दोस्तों चलते हैं, खाना वाना खाते या नाश्ता वास्ता करते हैं, भूख लगने लग गई अब तो, समथिंग 10:30-11 बजने वाली होगी, मैं देखता हूँ कितने बज गई है। हाँ 11 बज गई है, हो गया दोस्तों चाय नाश्ता कर लिया है, अब वेट कर रहे हैं अपना माल का, कुछ ना कुछ मिलेगा, फोन लगाते ट्रांसपोर्ट वाले को, वैसे सुबह से लगा रहे पर कोई माल का कंफर्म होगा नहीं अपना। और गाड़ी देख सकते हो कितनी झकास दिख रही है ये वाली, भाई ने कितनी मस्त बना रखी गाड़ी, आलू भरी आलू, बहुत मस्त लग रही। तीन बजकर 13 मिनट हो गई है, देख सकते हो ये, और माल का अपना कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, चारों की चारों गाड़ी खड़ी है, और हम सोच रहे हैं भाई आज तो क्या आज का दिन है, तो कल भी छुट्टी रहेगी पूरा बंद, कुछ भी माल नहीं मिलना है, आज भी अगर मिल जाता माल ना तो 12-1 बजे तक कल भी कंफर्म हो जाता, अभी कुछ नहीं है माल, तो हम सोच रहे खाली भग जाते घर पे, क्या करें, इंदौर के तो इतने बुरे हाल है भाई, माल नहीं मिल रहा किधर का भी, इंदौर से नहीं माल मिल रहा है। अभी गोकुल भाई क्या करना है यार, चलो और क्या खा लिया, क्या करें, यहाँ कुछ माल है नहीं, आज शनिवार हो गया कल संडे हो गया, सोमवार को माल मिला तो मिला है, तो सोमवार भी यहीं रुकना पड़ेगा, फिर खाली खाली चले, खाली चलो और क्या करें, हालत क्या चल रही है यार इंदौर की, अलग हो गई यहाँ की, इतना बड़ा इंदौर है फिर भी माल नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई यहाँ क्या। तीन गाड़ी जरूर हम जा रहे हैं खाली घर पे सेंधवा, तो चलते निकलते हैं। दोस्तों ऐसे हालत रहेगी ना इंदौर से और हर जगह से, माल नहीं मिलेगा ना, तो गाड़िया है ना भाई किस्त वगैरह कुछ नहीं डलेगी, और गाड़िया है ना अभी आगे क्या बोलूं मैं, दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि माल नहीं मिलता ना दोस्तों, ऐसे खड़ी हो जाती पड़त खाती ना गाड़ी, तो ना ब्लॉग बनाने लगता है, ना वीडियो करने लगता है, ना कुछ काम करने लगता है। गाड़िया अगर रोड पे चला करे, अच्छे माल वाल मिला करे, भाड़े थोड़े भले कम भाड़े में सही, क्या करे अब भाड़े ही नहीं है, ना कम भाड़ा ना ज्यादा भाड़ा, भाड़ा ही नहीं है, कुछ माल ही नहीं है, तो क्या भरेंगे। तो चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं यार, क्या करें। दोस्तों मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर मुझे, कि आप लोग है ना लाइक ही नहीं करते हो, देखते जरूर हो मेरे वीडियो लेकिन है ना कमेंट ही नहीं, सॉरी लाइक ही नहीं करते, तो मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं बताना जरूर कमेंट करके, और वीडियो कैसे बनाना, अगर कुछ गलती हो रही हो वीडियो में ना तो आप लोग बताना जरूर कि विक्की भाई ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाया करो, तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो चालू होने से पहले है ना भाई लाइक ठोक दिया करो यार। और गोकुल भाई यहाँ पे डीजल डलवाने के लिए रुका था, तो डीजल डलवा के गोकुल भाई आ गया है यारा, क्या गोकुल भाई डलवा लिया डीजल, तो चलो मैं मोबाइल की पिन देना, मेरी चार्जिंग रखना है, कहाँ फेंक दी, ये रही दोस्तों मोबाइल की पिन, तो चलो निकले, खाना भी नहीं खाया यार, यार। आगे खाएंगे, 24 घंटे समथिंग हो गए, 3 बजे कल दिन में खाया था हमने खाना, वही है अब अपनी 94 आगे खड़ी है, तो वहाँ पे ढाबे पे खड़ी है, वहीं पे खाना वाना खाएंगे तीनों गाड़ी वाले तीनों भाई, तो चलते हैं पहले, गोकुल भाई भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, कोई साथ में नहीं है, बस आप लोगों के साथ में बातें करेंगे और चलते रहेंगे। दोस्तों उस साइड में अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, पिकअप चलते हैं, रुको साइड में दबाता हूँ, एक्सीडेंट हो गया है भाई यहाँ पे, वो देखो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, चलो चलते हैं, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई साहब देख सकते हो आगे से लग गई यार, नुकसान हो गया भाई का, कौन सी गाड़ी में लगी भाई, कौन सी वाली गाड़ी में लग गई, इसमें
ये वाली गाड़ी भाई नुकसान हो गया भाई का, देखो ये भी कंपनी की गाड़ी है। कंपनी की गाड़ी है क्या? नई गाड़ी कंपनी की, स्कूल की गाड़ी है भाई। दोनों गाड़ी का नुकसान तो जरूर हुआ होगा। इसमें भी लगी है पर इसमें कुछ भी नहीं हुआ भाई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इसका, बम्पर बैठा है थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं इसका, कुछ भी नहीं हुआ यार। अरे गलती उसी की, पीछे वाले की है ना? गलती उसी की है, पीछे वाले चला रहे थे। हाँ वो तो पीछे से जो चल रहा होगा उसी की गलती आएगी, देखना चाहिए। ब्रेकर है ना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कहाँ है, नहीं कुछ भी नहीं है। कहाँ है वो, उसका ड्राइवर कहाँ है, उसका ड्राइवर कहाँ है? खाली गाड़ी यार, क्या हो गया भाई अचानक? ब्रेक लगा दिया, एकदम गाड़ी लगा दिया, एक साथ ब्रेक लगा दिया, गाड़ी पूरी यार। अब आपकी ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक नहीं लगी क्या? चलती गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, एकदम से ब्रेक आ रहा है उसमें। तो आप ये देखो, मैं भी तो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते एकदम से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, तुमको धीरे धीरे कवर करना चाहिए गाड़ी। ड्राइवर हो क्या है, मतलब पीछे से घुसे भर गए थे, गाड़ी कितनी दूर थी वो मैंने भी देख ली थी, मेरे को क्या दिखा रहा हूँ, वो लेके भाग गया। हाँ लेके भाग गया, तुमको सब देख रहे हैं, लेके भाग गया भाई। इसका भी नुकसान हो गया दोनों गाड़ी का, ये भाई का ज्यादा हुआ है नुकसान। देखो ये पीछे से घुसी है गाड़ी, और कंपनी की गाड़ी जो थी वो एकदम से ब्रेक ले लिया उसने, तो इसने ब्रेक एकदम से आएंगे ही नहीं, आपको पता है ना, तो नुकसान हो गया भाई का। उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये देख सकते हो शो बैठ गया। नई गाड़ी है, जो कान भाई के पीछे बस है ना, उसने ब्रेक अर्जेंट ले लिया है, और पीछे वाली गाड़ी ने अर्जेंट ब्रेक मारा, अब ब्रेक लगेंगे ही नहीं पीछे वाली गाड़ी के। अब ट्रैफिक लग रहा है, पूरा जाम ही जाम हो गया है, देखो कैसा जाम लग गया है, पूरा गाड़िया ही गाड़िया। तो चलो कोई नहीं, आराम से चलो यार, कोई नहीं आराम से चलो यार, जिंदगी एक बार मिलती है, ज्यादा जल्दी बिल्कुल ना करें। चलो निकलते हैं, हाय 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 हाय, तीनों जाने मन लग रही है, सेम टू सेम, जच रही है बिल्कुल बाबा, जच रही है तीनों की तीनों, देख सकते हो दोस्तों, लग रही है ना सेम टू सेम तीनों, 86, 144 उधर 94, 93। चले खाना खाई, हमने तो खा लिया था। आपने खा लिया? हाँ। ये अपने छोटे वाले भाई नीलेश भाई, और साथ में है छोटू, छोटू कालू भाई, कालू भाई। चलो खाना वाना खाते हैं यार, भूख लग रही है पक्की अब तो। लो भाई लग गया अपना खाना दोस्तों, आज वही बुला ली अपनी सेव सब्जी, सेव दूध, ये अपने को हमेशा पसंद है दोस्तों। ड्राइवर को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? सेव दूध। तुमको? हमको भी यही पसंद है सेव दूध, हमको भी यही पसंद है सेव दूध, तो डेली हम यही, मतलब एक दो दिन छोड़ के हमेशा सेव दूध खाते हैं, सेव टमाटर या सेव दूध। तो चलो खाते हैं खाना फिर निकलेंगे। दोस्तों अपने हो गया था खाना वाना और निकल के आ गए थे हम लोग, और अभी मानपुर घाट उतर रहे हैं, और मानपुर घाट का व्यू देखो मस्त वाला, देखो शाम का छाव ही छाव हो रखे, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा दोस्तों, एक नंबर नजारा है। और चल रही है दोनों गाड़ी आगे आगे, बस एंजॉय करते करते चल रहे दोस्तों।
ये है दूसरा वाला मानपुर घाट और चल रही अपनी चौरियानो उस साइड में आगे आगे। गोकुल भाई निकल लिया सीधा आगे, हमारे से आगे बगड़ा गोकुल भाई। ये जो बीच में जो कोठी ड्रम लगा रखे ना, ये इसलिए लगा रखे हैं गाड़ी इस साइड से उस साइड ना ले, इसीलिए गाड़ी वाला इधर से उधर ना घुसे और एक्सीडेंट नहीं हो। इसलिए कई कई जगह इस साइड से उस साइड जाने के लिए रास्ता जरूर बना रखा है। उस साइड वाली लाइन में देखो ट्रैफिक कितना लग रहा है, शाम के टाइम में ज्यादा करके गाड़ियां चलती है, दिन में तो क्या है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए सारी गाड़ियां क्या ढाबे पे खड़ी कर देते ड्राइवर भाई लोग। अरे दोस्तों अपने हीरो लोग आ रहे हैं इधर से। काली काली आ रहे तो मजा लेते आ रहे क्यों? बहुत मजा आ रही है। क्या है राम राम? चल ठीक है डाब राम। चलो दोस्तों यहाँ पे चाय पियेंगे, अभी आलसी से आ रही, खाना खा के आए ना तो आलसी आ रही है, तो चाय पियेंगे यहाँ पे। दोस्तों इसको देखो, देखो सामने से देखो दोस्तों रंग साइड कैसा आ रहा है वो, ये बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। रंग साइड आओ, एक वो आया एक और आ रहा सामने से, ये नर्मदा नदी है दोस्तों। और यहाँ पे बाइक वाले को देखो कैसे चल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, अभी गलती किसकी है आपके सामने है। ये देखो एक गाड़ी और आ रही सामने से, जबकि उस साइड में ब्रिज बना हुआ दोस्तों। ये देखो ये घर परिवार साथ में बैठा है, लेडीज साथ में बैठी है और ऐसे चल रहे रॉन्ग साइड। अगर उस साइड में गाड़ी हो और इस साइड में एक गाड़ी और चल रही हो तो दोनों गाड़ी वाले किधर कुदाएंगे? अब सामने वाले को बचाएंगे या ये इधर सामने की दो गाड़ी इकट्ठी जा रही इधर से वो गाड़ी कुदाएंगे नीचे? ऐसे रॉन्ग साइड मत चलो यार, उस साइड में नया ब्रिज बना हुआ है, वो देखो उस साइड में नया ब्रिज बना, उस ब्रिज से आने में क्या हो गया इनको। लेकिन नहीं, इस साइड में रंग साइड आएंगे और बड़ी गाड़ी वाले को परेशान करेंगे। तो दोस्तों शाम की बज गई है 7:30 बज गए होगी यार, मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा नहीं। और हम लोग पहुंचे हैं अभी सेनवा बॉर्डर पे, सेनवा बॉर्डर अभी जस्ट क्रॉस कर लिया है, बस अपने को यहाँ से 16-17 किलोमीटर सेनवा अपने घर चलना है बस। क्या करे यार, आज तो कोई माल नहीं मिला, खाली खाली आ गए। चलो कोई नहीं यार, क्या करे, किस्मत किस्मत की बात है। कल क्या संडे का दिन था तो कल भी गाड़ी अपनी लोड होती नहीं, इसीलिए खाली लेके आ गए और दो दिन तो रुकी गए कल भी और आज का दिन। चलो करते हैं सेनवा बॉर्डर को क्रॉस। दोस्तों पहुंचे हैं सेनवा और अपने पास एक भाड़े से नोट आ गया था भाई, ये 2000 का नोट जो है कि बंद हो गया है, गलती से अखिलेश भाई ने ले लिया था तो डीजल डलवा लेते, पेट्रोल पंप पे तो बंद नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ये बैंक में जमा कर देंगे, तो डीजल डलवा लेते 2000 रुपए का। पहुंच गए हम सेनवा, दे देते भाई को, डाल दिया डीजल ना, चलो दे देते, लो भाई ये आपके हवाले। ठीक है आप लोग तो चला दोगे यार, हमारे से तो कोई ले नहीं रहा है। अगर आप लोग भी 2000 का नोट ले रहे हो तो जरा सोच समझ के लेना, क्योंकि दोस्तों बंद हो गया है 2000 का नोट है ना, कुछ महीने के लिए चालू है, बाकी इसका है ना लेन देन बिल्कुल अभी बंद होने वाला है 2000 के नोट का। तो डल लिया है डीजल, चले भैयू। नीलेश भाई बालसमत रुक गए हैं मामा के यहाँ और ये नीलेश भाई का हेल्पर है, साथ में चल रहा है क्योंकि अपने गांव ही रहता है ये। तो चलो चलते हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पे और करेंगे आराम, अब हम भी खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। खाना तो क्या है अभी शाम को ही खाया था, वैसे भूख तो लगी नहीं रही है, देखते हैं जो भी खाना खाते हैं और उसके बाद में करेंगे आराम। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जिन भाइयों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही ट्रक के बारे में वीडियो लेकर आता रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।